महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को बड़ा महत्व है। यह एक सार्वजनिक उत्सव है। इस उत्सव की प्रतीक्षा सारे लोग पूरे वर्ष करते हैं। गणेश उत्सव आते ही अपने आराध्य देवता की प्रतिमा स्थापन कर लोग बड़े भक्तिभाव से 10 दिन पूजा अर्चना करते हैं। घरों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी गणेश मंडलों द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। जिस तरह से लोग बड़े उत्साह से 10 दिन पूजा करते हैं, उसी तरह गणेश विसर्जन पर अपने लाडले बापा को लोग बड़े उत्साह से विदा करते हैं। अब गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है, लोग बापा के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो वही पुलिस विभाग मनपा प्रशासन भी गणेश उत्सव की तैयारियों में लग गया है। चंद्रपुर पुलिस विभाग, महानगर पालिका तथा MECB की ओर से हाल ही में गणेश विसर्जन स्थल को भेंट देकर स्थल का निरीक्षण किया गया। शहर के रामाला तालाब में गणेश विसर्जन किया जाता है, इसलिए रामाला तालाब परिसर का निरीक्षण किया गया तथा समस्याओं का जायजा लिया गया। गणेश विसर्जन अच्छे से हो, इसके लिए रामाला तालाब परिसर में MECB की ओर से अतिरिक्त लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। रामाला तालाब परिसर में जो बांधकाम सामान पड़ा है, उसे हटाया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए तालाब के किनारे के कुछ रेलिंग हटाए जाएंगे। जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक ने दी। सार्वजनिक गणेश उत्सव 2017 याचा जो विसर्जनाचा मार्ग आहे त्याची आम्ही सर्व डिपार्टमेंटने एकत्र पाहणी केलेली आहे। विसर्जनासाठी जे काही समस्या येणार आहेत कन्सर्न डिपार्टमेंट त्या समस्या आपण सॉल्व करणार आहोत आणि येणारा गणेश उत्सव जो आहे तो चांगल्या पद्धतीने सर्व समाजाच्या लोकांना एकत्र करून चांगल्या पद्धतीने आपण त्याचे आनंदोत्सव साजरा करणार आहे। यासाठी ही पूर्वतयारी म्हणून आपण आज रूटची पूर्ण पाहणी केलेली आहे। यामध्ये MECBला आपण पत्रव्यवहार केलेला आहे, त्याच्यामध्ये अल्टरनेटिव्ह लाईटनिंग जे आहे त्याच्यामध्ये जनरेटर अल्टरनेटिव्ह सोर्स असतील, म्हणजे जरी लाईट गेली तर आपल्या लाईटची व्यवस्था करण्यात येते। त्यानंतर गणेश विसर्जन पॉईंटला जे आहे त्या मागच्या वर्षी रेलिंग लावलेले आहेत, त्यामुळे काही रेलिंग काढून विसर्जन पॉईंट, पाण्याची व्यवस्था किती आहे विसर्जनादरम्यान, त्याच्यानंतर त्याची गाळ काढणे, या सर्व प्रकारच्या आणि रस्त्यामध्ये जे काही बांधकामाचं साहित्य पडलेलं आहे असं सर्व साहित्य आपण काढून उपाययोजना करून गणेश विसर्जनाचा जो मार्ग आहे तो एकदम चांगला करून गणेश विसर्जन जे आहे ते आपण चांगल्या पद्धतीने करून घेणार आहोत।